जो लोग हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर को टारगेट रख के तैयारी कर रहे हैं, और APS की भी वैकेंसी आने वाली है, और राजस्थान कोर्ट की वैकेंसी तो चली रही है, ठीक है, और समय समय पे आती रहती हैं, या अन्य किसी राज्य से कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है जिसका टारगेट जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि जो स्किल टेस्ट में लीगल आउटलाइन आती हैं, इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन कवर करूंगा। ये जितनी आउटलाइन है मैंने किसी जजमेंट से उतार के नोट की हुई हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। अगर ये कुछ वाक्यांश भी हैं और कुछ सिंगल आउटलाइन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और भैया चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप स्टेनोटाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और स्टेनोग्राफर या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, भैया वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो कर ही दिया कीजिए, ठीक है ना। और अगर कुछ सुझाव हुआ करें तो सुझाव दे दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पत्रावली, पहले स्थान पर पाव्यंजन लंबा करेंगे, तर लग जाएगा, ला में वाक आंकड़ा लगाएंगे ऐसे खींच के लंबा, यहां से नहीं ऐसे, ये पत्रावली ई लगा देंगे, ठीक है। अभी का सब चीन ये लिखते हो या आधा करके ता लगा देंगे, अभियुक्त हो जाएगा, ठीक है। अधि ये लिखते हैं, व बीच में लगाते हैं, ता लगाएंगे, अधिवक्ता ये सब चीन होता है। ता में ला का आंकड़ा तलब, ठीक है, ये हो को लंबा खींच देंगे, होकर हो जाएगा, तलब होकर, जैसे आ जाता कभी एकजुट होकर, ठीक है, जैसे आ जाता कभी प्रेरित होकर या प्रेरित होकर, ऐसे भी खींच देते हैं, ठीक है, जैसा ये, तो ये ज्यादा सरल रहता है, ठीक है। स्वीकारोक्ति, अब देखिए पहले तो आप समझिए स्वीकार और स्वरूप का सब चिन्ह होता है तीसरे स्थान पर ये, लेकिन यहाँ स्वीकारोक्ति में सब चिन्ह नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको स्वीकारोक्ति ये लिखा जाएगा, ठीक है। स्वीकृत में क्या करेंगे, स्वीकार का सब चिन्ह बनाएंगे, का निकालेंगे और ता लगाएंगे, स्वीकृत और स्वीकृति ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान से समझ लो। ये आउटलाइन बहुत कंफ्यूज करती है, जिस डिक्टेशन में आती है वो एक साथ आती है, और ये जिस जजमेंट से मैंने आउटलाइन निकाली उसमें सारे ये शब्द थे। अपितु आपत्ति का सब चिन्ह लाइन नहीं टच करना, जैसे ये लाइन है आपकी कॉपी की, तो बस बीचों बीच में पा और ता बनाना, अपितु और आपत्ति का शब्द चिन्ह है ये, ठीक है। जुर्म तीसरे स्थान पर ऐसे लाइन काट के, ठीक है, जुर्म हो गया। स्वेच्छ या लगाएंगे जरूर, और स्वेच्छा ये होता है स्वेच्छा, ठीक है, स्वैच्छिक ये होता है, ठीक है, स्वा का आंकड़ा छा और का स्वैच्छिक। स्वीकार के सब चिन्ह में का में रा के आंकड़े की दिशा में स्वीकार का सब चिन्ह बनाएंगे। करने हेतु, स्वीकार करने हेतु ये हो गया, स्वीकार करने हेतु का वाक्यांश, तीनों शब्दों पर आउटलाइन हो गई है, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत प्रत्यक्ष का ये सब चिन्ह होता है। किया का सब चिन्ह दूसरे स्थान पर होता है। गया है ये हो गया, दूसरे स्थान पर गया है, पहले स्थान पर कहा गया है, ये किया गया और ये कहा गया, ये अगर दूसरे स्थान पर है तो किया गया है, पहले स्थान पर है कहा गया है, ध्यान से समझना, ठीक है। जुर्म इकबाल, तीसरे स्थान पर जुर्म ये हो गया, जुर्म इकबाल, ठीक है। अब ये किसी शब्द के बाद के आधार पर आता है, तो ये ट्रिक है, ये के आधार पर पूरा नहीं लिखा जाता, ये के आधार पर ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल आप नोट कर लो, ये शब्द बदलता जाएगा, इतना शब्द बदलता जाएगा, लेकिन ये इतने के लिए ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। इस बात के लिखा, इस बात के आधार पर, ठीक है, इस बात या के आधार पर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दिशा के आधार पर, तो ये दिशा लिखेंगे के आधार पर, ये समझिए इस तरीके से। उपरोक्त लाइन काटेंगे, उप रो आधार बनेगा, का लग गया, उपरोक्त हो गया। संस्वीकृति बहुत सरल आउटलाइन है, आप बना के देखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, वो सोच पड़ जाएंगे, ये सन और ये स्वीकृति, समझ गया, स्वीकृति आपको ये बताया था, बस यही बनी है, सन स्वीकृति, समझ गया, ये हो गया। भारतीय, भारत भारतीय ये होता है, भारत माता ये होता है, भारत में ये होता है, भारतीयता ये होता है, ठीक है, समझ गए। अब भारतीयों आ जाए तो ये होता है, ठीक है। अब भारतीय दंड ये हो गया, भारतीय दंड संहिता ये हो गया, तो आप इसको जल्दी में ऐसे ऐसे बनाना है, भारतीय दंड संहिता, समझ गए, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, भारतीय दंड संहिता। दोष ये लिखा जाता है, देश ये लिखा जाता है, ठीक है, तो ये देश हो गया और ये दोष हो गया, तो दोष सिद्ध ये हो गया, किया जाता है ये हो गया, ठीक है। आधारों को दृष्टिगत रखते हुए, तो ये आधारों ये हो गया, दृष्टिगत ये हो गया, दृष्टिगत रखते हुए, देखिए ये रहा होता है, ये रखा होता है, ये रखता होता है, ये रखता हुए होता है, ठीक है, रखते हुए, समझिए। ये सब मैं बहुत विस्तार से बेसिक कोर्स में और सबचिन्ह की क्लासों में इन सभी सबचिन्हों को बता चुका हूँ, हजारों बार बता चुका हूँ, जितने वीडियो बने हैं एक एक वीडियो में 6-7 बार वीडियो इन सबको रिविजन कराया हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। अपेक्षा का चिन्ह ये होता है, अपेक्षा पूछा, उपेक्षा ये होता है, तो अपेक्षा में कृत जोड़ देंगे, अपेक्षा कृत हो जाएगा, ठीक है। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए,
परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, ये हो गया ठीक है। निम्नांकित लाइन पर निम्नांकित, ये हो गया, ये दंड होता है, ये दंडित होता है, नाम में ता लगा तो दंडित हो जाएगा। किए जाने योग्य, ध्यान से देखो, किए जाने योग्य बहुत सरल है, लाइन पर किया जाने गा बनाएंगे और या लगा देंगे, ये किए जाने योग्य हो गया। देखिए नवीनतम का सचिन ये होता है लाइन के ऊपर पहले स्थान पर, ना ऐसे गहरा बनेगा, जो जब का सचिन बताया ना ऐसे, ये नवीनतम हो गया ऐसे, बस ऐसे ठीक है नवीनतम। और इसी को दूसरे स्थान बना दो न्यूनतम हो गया। अब देखो कई बार आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसका वाक्यांश होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ये वाक्यांश होता है ठीक है। इतनी सरल तरीके से लिखा जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है। अगर स्पीड नहीं बढ़ रही, पता नहीं कैसे स्पीड नहीं बढ़ रही, अगर नहीं बढ़ रही है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी, डेली डिक्टेशन विद आउटलाइन, और जितने भी कठिन वाक्यांश होते हैं, जो पॉपुलर वाक्यांश होते हैं, जो हर प्रकार की डिक्टेशन में कॉमन होते हैं, बार बार आते हैं, उन सभी की वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। खंड वन खंड टू की वीडियो क्लासेस कंप्लीट आउटलाइन मिलेंगी, केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं, कंप्लीट आउटलाइन मिलेंगी आपको पूरी एडवांस आउटलाइन के साथ, विद रूल के साथ समझाते हुए, एक एक आउटलाइन, सिंबल की क्लासेस पर डे टेलीग्राम पे, एक डिक्टेशन विद आउटलाइन, एक टेस्ट की डिक्टेशन मिलेगी। अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा ठीक है। या आपका कोई अन्य मित्र बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से करना चाहता है, बिल्कुल जीरो का खागा से, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ठीक है। अब देखिए प्रथम का चिन्ह ये होता है, ये प्रथम, अपराध का चिन्ह ये होता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रथम लिखा ये और ये अपराध, फिर से देखो प्रथम अपराध, समझिए इस तरीके से ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है, अब इनको ध्यान समझिए, ये फौजदारी अपराध ये होता है, आधा आधा बनेंगे अपराधिक हो जाएगा। मामलों ये होता है अदालतों या कानून प्रवर्तन से संबंधित, तो संबंध का चिन्ह होता है, ये संबंधित होता है। अब देखिए किसी भी शब्द के बाद इससे संबंधित आ जाता है, जैसे प्रवर्तनों से संबंधित आया, प्रवर्तन से संबंधित, तो ये या लिखा है ठीक है, प्रवर्तन लिखा से संबंधित, ये ट्रिक है ठीक है। कुछ या किसी, किसी को ऐसे लिखा जाता है, संदर्भित करता है ठीक है, समझ में आ गया। मुकदमा, अब देखिए किसी शब्द के बाद जब मुकदमा आता है तो वहां से काट दिया जाता है, लेकिन यहां पे पूरा लिखा जाएगा, मुकदमा एक कानूनी कार्यवाही या विवाद को न्याय निर्णयन या समाधान के लिए, या फिर समाधान के लिए एक साल लिखा जाता है, अदालत के समक्ष लाया जाता है ठीक है, ये हो गया। वकील पहले स्थान पर, वकील एक कानूनी पेशेवर को संदर्भित करता है जो जो भोजन कब्जा, दूसरे स्थान पर कानूनी सलाह प्रदान करता है अदालत में वादी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व, ये चिन्ह प्रतिनिधित्व का, करता है और उनका, उनको उनके अधिकारों की वकालत, यहाँ पे वा और ला दोनों आदि आदि बनेंगे, यहाँ पे केवल वा आदा बनता है वकील में है, वकालत करता है फुल स्टॉप ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको सेंटेंस। नेक्स्ट साक्ष्य, ये हो गया किसी तथ्य, आधा ता बनता है या कांकड़ा लगता है, या दावे का समर्थन संबंध करने या साबित करने के लिए, ये ट्रिक है, साबित करने के लिए अदालत में प्रस्तुत की गई किसी भी, या देखो किसी भी एक साल लिखा जाता है ऐसे, किसी भी सामग्री गवाही, गवाही या जानकारी को संदर्भित करता है ठीक है, संदर्भित करता है ये ठीक है, भादा बनेगा ठीक है, पेंथ है इसलिए थोड़ा थोड़ा ये नुकता निकल जाता है, इसलिए समझ नहीं आएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायिक पहले स्थान पर, अनेक दूसरे स्थान पर, न्यायिक निकाय आया तो न्यायिक निकाय ये हो जाता है बस ठीक है, ये न्यायिक निकाय पढ़ा जाता है ध्यान से समझो, को संदर्भित करता है जो संविधान, दूसरे स्थान पर बनता है, संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय राष्ट्रीय मत महत्व के मामलों पर, के मामलों पर, मामलों पर
अधिकार क्षेत्र रखने के लिए, ये रखने के लिए की आउटलाइन है, जिम्मेदार है, फुल स्टॉप, ठीक है। संविधान मौलिक दूसरे स्थान पर, कानून ये होता है, और ई लगाएंगे कानूनी हो जाएगा, दस्तावेज को संदर्भित करता है जो ढांचा ढांचे सिद्धांतों और कानूनी कानूनों, दोनों तरफ बिंदी लगेंगे, ये उपसर्ग बिंदी और ये बहुवचन की बिंदी, को इष्ट की चाप स्थापित करता है, स्थापित करता है, एक साल लिखा जाता है, ता हटा के करता जोड़ दिया जाता है, ठीक है, स्थापित करता है, जिस के द्वारा या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जिस के द्वारा एक देश शासित, ये सा का आंकड़ा आधा सा होता है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आउटलाइन आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये आपकी आउटलाइन निश्चित ही आपको मदद करेंगी, ठीक है। इसके पहले भी मैं करीब 12 या 13 वीडियो आउटलाइन के, लीगल आउटलाइन के अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दी है, जाके आप चैनल पर वीडियो सेक्शन के आगे प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, हाई कोर्ट आउटलाइन के नाम से, लीगल आउटलाइन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको इसके पहले अपलोड किए गए सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन सबको एक एक करके शुरुआत से अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी बताई गई हैं, तो आपकी लीगल आउटलाइन कुछ नहीं बचेगी। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई आउटलाइन छूट गई तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है, उसको भी मैं वीडियो में बना के बता दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।